છો દર્શકો, મજામાં છે? શમાબેન શું ચાલે છે? મેં આપ સભી કા બહોત બહોત સ્વાગત હૈ. ઓર શમાબેન કી સવારી ઇસ વક્ત પહોંચને વાલી હૈ ભરૂચ મેં. ભરૂચ એક એસી જગા જો બસી હૈ નર્મદા નદી કે કિનારે, ઓર ઇસકો બસાયા હૈ મહર્ષિ ભૃગુ ને, જિસકે બારે મેં હમ આપસે કરેંગે બહોત સારી બાતેં. મિલાયેંગે આપકો ભરૂચ કે લોગો સે, જાનેંગે વહાં કા खान पान, संस्कृति और वहाँ के लोगों का चुनावी माहौल. तो चलिए मेरे साथ शमाबेन आज आपको घुमाएगी भरूच और जानेगी कि आखिर भरूच के प्यारे प्यारे लोग क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं और चुनावी माहौल को लेकर मतदान करने के लिए कितने ज़्यादा उत्साहित हैं. तो आइए मेरे साथ. शमाबेन इस वक्त मौजूद है गोल्डन ब्रिज पर, गोल्डन ब्रिज जिसको नर्मदा ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है. और ये ब्रिज मुंबई को गुजरात से जोड़ता है, या कह लीजिए कि अंकलेश्वर और भरूच जो लोग जाना चाहते हैं वाया गुजरात, तो इसी ब्रिज से होकर उनको जाना पड़ता है. बहुत ही पुराना ये ब्रिज है. इसको बताया जाता है कि अंग्रेज़ों ने 1880 जी हाँ 1880 में इस पुल का अंग्रेज़ों ने निर्माण कराया था, ब्रिटिशों ने निर्माण कराया था. और इस पुल की जो मजबूती है, जिस तरीके से जितना मजबूत ये पुल है उससे देखा जा सकता है कि 150 वर्ष से अधिक पुराना ये पुल हो गया है. और बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ अपनी यात्रा को तय कर रहे हैं. और शमाबेन को कुछ साइकिल वाले दिखाई दे रहे हैं और शमाबेन चाहेंगी कि उन साइकिल वालों को हाथ देकर रोके और थोड़ा सा उनसे बात करें. क्या नाम है आपका? मैं नीलकंठ शिंदे, सांगोला जिला सोलापुर महाराष्ट्र से आया हूँ. कहाँ जा रहे हैं आप? हम पंजाब जा रहे हैं घुमान. अच्छा, पंजाब जा रहे हैं आप, क्योंकि गुजरात से होते हुए जा रहे हैं तो गुजरात के माहौल के बारे में कुछ पता है? हाँ, सुना है, लेकिन गुजरात का चुनाव लगा है, अभी शुरू होने वाला है, 1 तारीख को वोटिंग है. उसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, टीवी पर भी मैंने देखा है गुजरात का चुनाव है. अच्छा, मतलब घूमते घूमते आपने इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी रखी है? हाँ, रखी है ना. अच्छा, ये बताइए कि गुजरात में आपके हिसाब से इस बार कौन सी सरकार आने वाली है? अभी मुझे तो लगता है बीजेपी आने वाली है. बीजेपी आने वाली है, लेकिन राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं. कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी का बहुत ही बड़ा काम चल रहा है पूरे इंडिया में. ऐसा लगता है कि मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि उनको एक बार मौका देना चाहिए गुजरात में और एक बार. वैसे गुजरात ने जो है मोदी जी को 27 साल से उनकी सत्ता है और इतने सालों से मौका दे दिया है, तो आपको नहीं लगता कि किसी और पार्टी को भी जो है मौका मिलना चाहिए? देखिए, जिस देश में पक्ष का शासन होता है उस स्टेट में उसी का भी शासन होना चाहिए. जो सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड आता है उस स्टेट गवर्नमेंट के लिए लाने के लिए अच्छा रहता है और स्टेट का भी डेवलपमेंट हो सकता है, ऐसा मेरा कहना है. तो जो है भगवा झंडे वाली साइकिल मुझे दिखाई दी और यहाँ पे जो है तिरंगे झंडे वाली, हमारा प्यारा तिरंगा, उस झंडे वाली साइकिल दिखाई दे रही. क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन मात्रे. कहाँ से आए? मुंबई से हूँ. अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? अभी पंजाब घुमान जा रहे हैं हम लोग. अच्छा, तो मैं यात्रा में एक संदेश देना चाहता हूँ. क्या मैं जगह जगह देख रहा हूँ, गुजरात काफी अच्छा लगा मेरे को, पर जो लोग जो अपने को गवर्नमेंट दे रही है इतना अच्छा, पर मैं देख रहा हूँ क्या लोग कहीं पर भी कचरा कर रहे हैं. आज मैं, मेरे साथ जो भी कुछ है, देखो ये भी जो प्लास्टिक से है, मैं कुछ भी टाला नहीं हूँ. ये देखो, मतलब जो भी कचरा है मैं सब मेरे साथ रखता हूँ. मतलब आप देख सकते हैं कि जो जो ये खा पी रहे हैं सारा कचरा, कुछ भी कचरा जो है ये सड़क पर नहीं गिरा रहे हैं. और साथ में आप देख सकते हैं कि सड़क पर जिस प्रकार से गंदगी है अगर उसको देखा जाए और उनकी बात की जाए, तो शमाबेन की तरफ से आपके लिए तालियां बनती है. तालियां सबको एक निवेदन करना चाहता हूँ, क्या आप कुछ भी जो खाए वो कचरा, अपना कचरा एक डस्टबिन में डालें, जहाँ डस्टबिन देखें वहाँ डालें, लेकिन कहीं पर मत डालो. अपना देश उसको गंदा नहीं करना है. फिर तिरंगा लगा के अपन देश के लिए कुछ नहीं कर सकते, कुछ फर्ज बनता है अपना. जो मैं कचरा देख रहा हूँ, थोड़ा दुख होता है मेरे देश के लिए, तो आप कचरा मत डालो कहीं पर भी, वो डस्टबिन में ही जाना चाहिए. बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं. आपके जो प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री है, वो भी स्वच्छ भारत को बहुत प्रमोट करते हैं, क्या कहेंगे उसमें? हाँ, उन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया अपने को स्वच्छ भारत का. मैं बोलना चाहता हूँ क्या किसी के जो करेंसी है उसके ऊपर लिखा नहीं रहता है क्या स्वच्छ ये, पर अपने करेंसी पे लिखा हुआ है क्या स्वच्छ भारत. हाँ. अपने को अच्छा एक मैसेज दिया है,
पर अपन वो कभी देखते नहीं है कि उसके क्या लिखा है, स्वच्छ भारत लिखा है, सिर्फ यही देखते हैं 500 का नोट है, 2000 का नोट है, 100 का नोट है बस। लेकिन ये देखिए कि उसके ऊपर एक छोटा सा मैसेज दिया स्वच्छ भारत अपने देश के लिए और अपना देश साफ सुथरा बनाइए, यही मैं मैसेज इस यात्रा के दरमियान मैं मैसेज देना चाहता हूँ। बहुत शानदार मैसेज दिया आपने और हम चाहते हैं आपकी यात्रा मंगलमय हो और सेफली आप जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस पुल पर आए हैं देखने के लिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोहिल संजय सिंह है। गोहिल कहाँ से? मैं गिर सोमनाथ से रहने वाला हूँ। अच्छा। और यहाँ मेरा एक फ्रेंड है, उसका ट्रांसपोर्टेशन का काम है तो मैं थोड़ा काम था अंकलेश्वर GIDC में गया था। अच्छा, ये बताइए कि गुजरात में किसकी हवा चल रही है, चुनाव में क्या? अभी तो भगवाई लहरेगा, PM मोदी है तो सब कुछ है। अच्छा, चुनाव का मतलब क्या है आपके लिए? चुनाव का मतलब कि देश की सेवा करना, सुरक्षा करना, मोदी है तो सब देश सुरक्षित है। आप क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? क्या भाजपा ही आएगा? क्या लग रहा है कौन आएगा? भाजपा सरकार ही आएगा। ऐसा तो नहीं कि सब लोग मिलके खड़े हैं इसलिए भाजपा का नाम ले रहे हैं? नहीं 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 नहीं, जो देश में विकास किया है, जो PM मोदी है आपका वड़ाप्रधान, वो बहुत अच्छा काम कर रहे है। शमाबेन बरूच घूमते घूमते आ गई हैं रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन एक ऐसी जगह है जहां पर मिलते हैं आपको कई तरह के यात्री और चलते चलते करते हैं अपनी यात्रा के साथ साथ अपने दिनचर्या गतिविधि के बारे में बात। तो आइए देखते हैं कि रेलवे स्टेशन पे कौन मिलता है और क्या क्या बातें होती है चुनावी माहौल के बारे में, क्या क्या कहा जाता है भरूच में। और गर्मी बहुत है भरूच में, ह्यूमिडिटी बहुत है, लेकिन शमा बेन का मेकअप ख़राब ना हो और ज़्यादा धूप हो रखी है तो इसलिए आज शमा बेन ने चश्मा भी पहन रखा और अपने मेकअप का भी शमा बेन ख्याल रखेंगे और उसके साथ साथ लोगों से बात भी करेंगे। आइए, तो ये है भरूच रेलवे स्टेशन का टिकटगढ़ जहाँ पर लगी है लोगों की लाइन, यात्रियों की लाइन जाने के लिए। कहाँ कहाँ यात्रीगण जा रहे हैं और क्या क्या चल रहा है, चलिए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सुभाष महाजन। कहाँ से आए आप? सूरत से आ रहा हूँ, मैं सूरत जा रहा हूँ। अच्छा, सूरत जा रहे हैं। भरूच में क्या करने आए थे? जॉब करता हूँ मैं। अच्छा, भरूच में क्या चल रहा है आजकल? बस ठीक चल रहा है वैसे। किस सिलसिले में? चुनाव को लेकर। चुनाव को लेकर तो अभी कितना ध्यान नहीं है क्योंकि काम नहीं कर करते थे। अच्छा, अच्छा, सूरत में क्या माहौल है चुनाव को लेकर? सूरत में भी थोड़ा मिक्स माहौल है। गुजरात में इलेक्शन आने वाले हैं, किसकी सरकार बनेगी? आ जाइए, आगे आ जाइए, आपके नंबर पे कैसे खड़ा हो सकता है कोई? आइए, आपकी सरकार रखती बस। हाँ, भाजपा की सरकार आएगी। भाजपा ही क्यों नहीं, मतलब थोड़ा सीट कम हो सकती है लेकिन भाजपा आएगी ऐसा लगता है मुझे, माहौल जो है वो देख के। क्या नाम है सर आपका? ब्रिजेश। ब्रिजेश जी, इस बार भरूच में किसकी सरकार आएगी? BJP की। BJP क्यों? क्योंकि हम BJP के सपोर्टर हैं। सपोर्ट है इसलिए। अच्छा, आम आदमी पार्टी के और राहुल गांधी भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। सब बकवास, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है क्या? मेरे को नहीं आता है कुछ भी। अरे तुमको ऐसे कैसे कुछ भी नहीं आता है? अच्छा बताओ, हमारे PM कौन है, प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। देखो तुमको आता है, ऐसे कैसे बोल रहे हो? बस इतना ही आता है मेरे को। ये थे रेलवे स्टेशन से लोगों की बात, बाकी आके देखते हैं, चलते हैं शमा बेन के साथ, देखते हैं क्या होता है खास। तो शमा बेन आ गई है बर्गर पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक की शॉप पर और यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें पसंद होती है यूथ को, तो चलिए यूथ से जानते हैं कि वो क्या खाना पसंद करती है और आगे उनकी चुनाव को लेके क्या राय है या फिर क्या चर्चा है। क्या नाम है बेटा आपका? खुशबू। अच्छा खुशबू, ये बताओ यहाँ क्या खाने आई हो? बर्गर। अरे डरो नहीं, शमा बेन से डरने की क्या ज़रूरत है। अच्छा ये बताओ, क्या एग्जाम चल रहे थे, क्या चल रहा था एग्जाम? अच्छा, कितने साल के हो? 20। 20 साल के। वोट डाला है अभी तक एक भी बार? नहीं डाला। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कुछ पता है, राजनीतिक पार्टी के बारे में? अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री पता है कौन है? नरेंद्र मोदी। चुनाव उनाव के बारे में पता है कुछ? ये सब में नहीं पढ़ते। अच्छा, चुनाव में नहीं पढ़ते, तो भाई ये 20 साल के युवा हैं जो चुनाव में नहीं पढ़ते, चले कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए, वोट वगैरह कुछ पता है, वोट वोट के बारे में, मतदान वगैरह के बारे में? क्या होता है वोट, क्या होता है? वोट देने से पार्टी के बीच चुनाव होता है और जीते पार्टी जीती है। थी बर्गर की शॉप और
दोपहर का वक्त है, लंच टाइम ऑलरेडी हो चुका है, तो बच्चे यहाँ पर आते हैं, खासतौर से युवा भी आए हुए हैं और ज़्यादातर बात करते हैं। और ये भी दुकान है ना, अच्छा अधिकतर लोग ना भागते हैं, मतलब ऐसे लगता है कि जैसे उन्होंने क्षमा बहने कोई भूत देख लिया और भाग रहे भाई, मतलब चश्मा लगा के और जो है निकल लिए यहाँ पर बच्चे। तो भरूच की जनता का चुनाव को लेकर रुख जानते हुए क्षमा बहन आ गई है चौराहे पर। चौराहा एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर होती है कई तरीके की गपशप, कई तरीके की बातें। और चले जानते हैं लोगों से क्या है लोगों का मूड चुनाव को लेकर। क्या नाम है आपका? निकुल भाई मिस्त्री। निकुल भाई ये बताओ कि धंधा पानी कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा धंधा पानी चल रहा है, आप सब जगह दुकान पे देख रहे हो। ये स्टूडेंट एरिया है और ये कॉलेज एरिया है, यहाँ पे हर जगह पे आप देखो, हर गल्ले पे, हर चौराहे पे, हर जगह पे भीड़ है। चाय की दुकान पे बैठोगे तभी आपको 5 मिनट में एक चाय नहीं बन पाएगी, दो बार दो बाय चाय बनेगी तब की बार आपको चाय मिलेगी। कि यहाँ पे मोदी के साहब के जिले पूरा गुजरात है, वहाँ पे चाय पे चर्चा होती है। तो भाई चाय वाला पीएम जो है आप लोगों को मतलब ज्यादा पसंद है क्या? ऐसे पसंद है ना, गुजरात का पीएम है, उनने जो वादा किया था, गुजरात के लोगों को वादा किया था, राम मंदिर की बनाने की बात हो तो राम मंदिर बन गया, 307 हटाने की बात हो 307 हट गया, सब बता लिया। ये सब जो गुजरात के पीएम है, गुजरात के पनौते पुत्र बोलते हैं, वो पूरे पूरे देश का नेतृत्व करता है, तो गुजरात को आनंद होगा। और आप देख लो यहाँ पे पहले फ्लाई ओवर ब्रिज नहीं था, ये आपके सामने फ्लाई ओवर ब्रिज, नर्मदा किनारे पे बहुत ट्रैफिक होता था, उसकी समस्या पूरे गुजरात की समस्या बाहर बाहर जाती थी। कि गुजरात में भरूच जा, भरूच से अंकलेश्वर जाना हो तो ट्रैफिक की समस्या नहीं थी। आज पूरा भैया फ्लाई ओवर ब्रिज बनने से 5 मिनट में अंकलेश्वर के लोग और स्टूडेंट, ये स्टूडेंट एरिया यहाँ पे तुरंत आ जाते हैं। गाँव का मतलब क्या है? भाजपा भी आएंगे, मोदी आएंगे, गुजरात का भी मोदी आएंगे, अगर नहीं आते तो आते ही है 120%, अगर नहीं आते 120%, 120%, 110, 1000 गारंटी, 1000 गारंटी, अगर नहीं आते तो आएगी, आएगी। मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। मतलब जो है भाई ये लोग जो है भरोसा कीजिए, भाजपा सरकार है, हम भरोसा रखते हैं भाजपा सरकार पे कि हमारा सूत्र है भरोसा की भाजपा सरकार। अभी ऐतिहासिक रिजल्ट आने वाले है गुजरात में, 135 से 151 आएगी गुजरात में। ये बताइए कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो ऑटो ऑटो से ही आप सफारी करते हैं? हाँ जी। तो कितना पैसा ज्यादा बढ़ गया है, कम बढ़ा? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, महंगाई को लेकर तनख्वाह भी बढ़ा है बहुत। अच्छा, भरूच में रोजगार कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया है। अच्छा, यहाँ हर आदमी काम कर रहा है। अच्छा, दिसंबर में चुनाव आने वाले हैं तो क्या माहौल है चुनाव का? जो माहौल चल रहा सरकार और चलेगा। अच्छा, तो कौन सी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं आप? बीजेपी। बीजेपी सरकार 27 साल से मौका दे रखा है दादा। बात नहीं है, वही है, है ही है। अच्छा, और राहुल गांधी इतनी मेहनत कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल, वो सब छोड़िए, उन लोगों को छोड़िए। अच्छा, तो छोड़ के जाएंगे का? अपने ही लोग हैं, एक बार मौका दे के देखते हैं। बीजेपी तो चले, सवारी जो है वो बीजेपी के साथ है, भैया से जान लेते हैं। हाँ नहीं, मेरे को नहीं। ऐसा क्यों? हाँ? अच्छा अच्छा, कौन लगता है, कौन सा नेता अच्छा लगता है हमको? तो सभी अच्छे हैं, सभी अच्छे लगते हैं। सबसे अच्छा कौन लगता है? देखो हमको तो मेहनत मजदूरी करने की, जो भी आएगा। दादा मेहनत मजदूरी जो पीछे बैठे हैं वो भी कर रहे हैं, हम भी देखिए आप लोगों से बात करते करते मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। हाँ सही है, वोट डालते हैं? हाँ वोट तो डालते हैं। अच्छा, तो इस बार किसको वोट डालने वाले हैं? अभी तो आप देखेंगे। अच्छा, चलिए ये देखेंगे और हम भी देखेंगे कि 8 दिसंबर को जो है किसका पलड़ा होता है भारी, कमल खिलेगा, झाड़ू लगेगी या फिर जो है हाथ का साथ दिया जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो
शमा बेन इस वक्त आ गई हैं भृगु महर्षि मंदिर, और ये मंदिर खास इसलिए है क्योंकि इसी मंदिर के नाम पर जो महर्षि थे भृगु महर्षि, उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम भरूच रखा गया है। ऐसा बताया जाता है कि भरूच नाम के पीछे एक बहुत ही लोक प्रचलित कथा है जो कुछ इस प्रकार से है कि जो महर्षि थे वो यहाँ पर कछुए पर बैठकर आए थे, जिस वजह से इस जगह का नाम भरूच रखा गया था। और मंदिर में घुसते ही जो है ये दुकान है जहाँ पर श्रद्धालुगण भक्तगण आते हैं और प्रसाद लेकर अंदर भृगु महर्षि के मंदिर में चढ़ाते। तो ये जो है शनि देव महाराज जी का मंदिर है। सबसे पहले तो भारत 24 के जितने भी दर्शक हैं और शमा बेन शौचालय छे जो जो लोग देखते हैं, शनिदेव महाराज के दर्शन कर लीजिए सभी लोग। भरूच की गलियों में घूमते घूमते एक शमा बेन को दिखाई दे गए हैं क्रिकेट प्रेमी, और यहाँ पे चल रहा है भरूच की गलियों में क्रिकेट। तो ऐसे में शमा बेन क्रिकेट क्यों नहीं खेलेगी भाई, शमा बेन को भी क्रिकेट खिलाओगे? तो शमा बेन बैटिंग करेगी या बॉलिंग? बैटिंग, आपके बॉलिंग जो करना हो। तो चलिए शमा बेन जो है करने जा रही है बैटिंग, और चलिए आगे देखते हैं कि शमा बेन चौके छक्के लगा पाती है या फिर ऐसे ही चलती है। आइए, तो से जान लेते हैं कैसे, मतलब चौराहे पर आप लोग जो है बैट बॉल खेल रहे हैं शाम को, कितना मजा आता है? क्या नाम है? मोइन। ये बताओ कि शाम को रोज यहाँ पे बल्ला चलता है? जी जी। कितने साल के हो? मैं 19 साल का हूँ। 19 साल के हो, तो 18 साल के बच्चे जो है वोट डाल लेते हैं, तुम 19 साल के हो गए, तो वोट डालोगे इस बार? जी। इस बार जो है भरूच में, वैसे मैंने तुम्हारी बैटिंग देखी है, बहुत अच्छा खेलते हो तुम। अच्छा ये बताओ शमा बेन ने कैसा खेला? अच्छा खेला है। पक्का अच्छा खेला? अच्छा खेला। अच्छा नंबर देने हो शमा बेन को तो कितने नंबर दोगे 10 में से क्रिकेट में? 10 of 10। 10 of 10। अच्छा ये बताओ कि इस बार जो है इलेक्शन आने वाले हैं, है ना, तो पार्टियों के नाम पता है कौन कौन सी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है? कांग्रेस है, भाजपा है और आम आदमी पार्टी है। अच्छा इस बार तुम पहली बार पहली बार है। अच्छा तो किसको वोट डालोगे? मैं सोचता हूँ अभी तो। अच्छा मैं तो कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? मुझे तो कांग्रेस ही अच्छी लगती है। अच्छा राहुल गांधी बड़ी मेहनत कर रहे हैं इस बार। जी जी जी। तो शमा बेन ने आज जाना भरूच के बारे में, भरूच की जनता के बारे में, उसके रहन सहन खान पान और उसके जो भौगोलिक प्लेस हैं, सांस्कृतिक प्लेस हैं, उसके बारे में जाना। कल फिर शमा बेन आपसे करेगी एक नए शहर में मुलाकात। तब तक आप देखते रहिए शमा बेन शौचालय छे भारत 24 पर।